Good afternoon, students. So today we will begin with a new chapter, that is chapter 4, that is work, power, energy. Okay, so in this I'm going to teach you about work, what is power, and what are the various forms of energy. And the second subunit of this chapter is related to collision. So that will be taken in the next coming lectures. So today I'm going to teach you about the basics of the work, power, energy. And the first thing which I'm going to introduce is the term is work. So what is a work? So kya hai work? Aapko ye cheez samajhni hai ki work kya cheez hai. To basically choti classes mein jo aap padhte aaye hain utna to theek hai, par aap you are now in 11th class, so every physical quantity like force, work, uske aapko bilkul detail mein knowledge honi bahut zaruri hai. तो सबसे पहले मैं वर्क को डिफाइन करूँगा. तो वर्क इज सेट टू बी डन, कब वर्क कहलाया जाएगा कि वर्क किया गया है. वर्क इज सेट टू बी डन ओनली व्हेन, कब कहा जाएगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स एक्चुअली थ्रू अ सर्टन डिस्टेंस, थ्रू अ सर्टन डिस्टेंस, सर्टन डिस्टेंस in the direction of applied force. What does it mean? Means कि आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करे अगर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया. जैसे अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड और आप उस पर फोर्स लगाएं, तो अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं लेफ्ट से राइट और आपका बॉक्स भी ऐसे आगे की तरफ मूव करता है, that means work done, या work is done, और work done की कुछ ना कुछ value होगी. वो कैसे निकालना है वो आगे देखेंगे, ठीक है. तो basically work जो है, जो हमारा work है, scalar quantity है. तो work क्या है हमारा, basically it is a scalar quantity, but work done by a force, work done by a force can be positive, negative or zero. तो जो हमारा work done है वो तीनों values ले लेता है, positive भी ले लेता है, negative भी ले लेता है और zero भी ले लेता है, ठीक है बच्चे. तो basically definition ये हमारी work के बारे में है. इसका dimension formula क्या आता है, m1 l2 t-2. ओके, एंड इसकी SI यूनिट क्या आती है बच्चे, इट्स SI यूनिट इज जोल, एंड इट्स CGS यूनिट इज अर्ग, ERG अर्ग, ठीक है बच्चे. अब इसका फॉर्मूला क्या है डेफिनेशन ऑफ जूल का, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा, वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा. और अगर मैं F की वैल्यू को ले लूँ, स्टैंडर्ड फोर्स है, एफ फोर्स है, 1 न्यूटन ले लूँ, एस डिस्प्लेसमेंट है उसको 1 मीटर ले लूँ, और कॉस थीटा को मैं कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 1 कब होता है, कॉस 0 पे, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 ले लूँ यानी कि कॉस 0, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1. तो अगर मैं सबको 1 1 1 वैल्यू स्टैंडर्ड ले लूँ तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 1 न्यूटन × 1 डिस्प्लेसमेंट यानी कि 1 मीटर × cos थीटा भी कितना है, 1. तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, 1 जूल. तो 1 जूल वर्क कब होगा बच्चे, तो हमें डिफाइन करना पड़े, डिफाइन 1 जूल या 1 जूल. तो हम बोलेंगे व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी एक्चुअली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तब हमारा वर्क क्या होगा, 1 जूल के बराबर होगा, ठीक है बच्चे. तो ये डेफिनेशंस हैं इसकी वर्क की. अब इसको मैं कब, नेचर ऑफ वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ. थैंक यू.